कांग्रेस द्वारा जे सत्याग्रह आंदोलन करवामां आवी रह्युं छे एक दिवसीय त्यारे अत्यारे त्यां जे परिस्थिति छे तेना उपर नजर करीए। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं, आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है, आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा, संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया, क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है, और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी करके हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं, हम डरने वाले नहीं है। हम और मजबूती से लड़ेंगे, हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने की डाली है, कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ भी नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है, किसकी संपत्ति है ये? राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है, ये PSU किसके हैं, किसके लिए बनाए गए, आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, इसी से तो आपका रोजगार आता है, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता, रोजगार नहीं देते, छीनते आपका रोजगार,
आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहाँ आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं, जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश करते हैं? इस अदानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 200 हजारों करोड़ शेयर कंपनियों में इनकी है और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अदानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनके उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं, देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तेहार तो देख रहे हैं, वोटिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने की चीज के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले, क्या पैगाम लेके चला, किस लिए चला, उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो, यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथ में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक, उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की इसको बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ, यही तो लोकतंत्र है। कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई हमारे ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है, हमारे रोजगार क्यों नहीं बनाए? लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है।
और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे दो सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है, कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकला और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं, इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं, ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, जनता इसके चली जा रही है।